Assalamu alaikum students, myself Nahida Miss, and today we are going to see lesson 1.2, the thief story. हम लोगों ने दो units की poem already complete कर चुके हैं. Okay, तो if in case there are very rare chances के आपके unit test तो maybe conduct नहीं होने वाले because school ही reopen नहीं हुए, but if in case अगर आपके semesters conduct हो तो एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर टू यूनिट्स. तो कंसिडरिंग दिस थिंग, मैं जो है आप लोगों को पहले यूनिट्स कंप्लीट करवा देती हूँ. तो नाउ वी आर बिगनिंग विथ 1.2 अ थीव स्टोरी. द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इट आई मीन द नेम ऑफ द टाइटल इटसेल्फ इज द थीव स्टोरी. तो ये एक्चुअली एक स्टोरी है. ओके, दिस वार्मिंग अप एक्सरसाइज इज नॉट so much important, so we skip it. Directly we start with the lesson. The Thief Story, written by Ruskin Bond, 1934. He was born in the year 1934. Is an Indian author of British descent. Descent means lineage. Okay, lineage, lineage. So British descent मीन्स ब्रिटिश जो है इनके जो है आइदर मम्मी या फिर डैडी में से कोई जो एक जो था वो ब्रिटिशर था. ही लिव्स विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मसूरी इंडिया. मसूरी एक्चुअली इट इज मसूरी. तो वो वहां पर अपनी एक अडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते थे. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा फॉर हिज पब्लिश वर्क इन इंग्लिश. ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014. तो ये इनका पूरा इंट्रोडक्शन था. ओके, कि वो जो है कहाँ पर पले बड़े और उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं इंग्लिश लिटरेचर को. ऑलराइट, हम डायरेक्टली लेसन्स देखते हैं. ओके, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 14 आई वॉज एन एक्सपीरियंस इन फेयरली सक्सेसफुल हैंड. ओके, तो ये जो कहानी है, स्टोरी है, ये एक ऑटोबायोग्राफी के तौर पर लिखी गई है. ओके, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्मॉल थीफ. एक चोर है जो बहुत ही छोटी उम्र में जो है चोरी करता था, उसके बारे में लिखी गई है और किस तरह से उसका सामना एक जो है नौजवान से होता है जिसका नाम अनिल है. ओके, तो ये लड़का जो कि सिर्फ 15 साल का था, तो वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं उस वक्त भी एक चोर ही था जब मैं 15 साल का था और मेरी मुलाकात किससे हुई, अनिल नाम के एक नौजवान से हुई. आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं बहुत 15 साल की इतनी कम उम्र में मैं काफी जो एक्सपीरियंस हासिल कर चुका था. किस चीज का एक्सपीरियंस है ना, किसी जॉब या बिजनेस का नहीं बल्कि किस चीज का, चोरी का. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम. आई अंडरलाइन द वर्ड अप्रोच्ड. अप्रोच्ड का मीनिंग आप लिख सकते हो रीच्ड. ओके, रीच्ड. तो जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो. लीन मीन्स थीन, है ना, दुबला पतला, थीन. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग. और वो बहुत ही इजी गोइंग टाइप का बंदा लग रहा था. इजी गोइंग मतलब मैंने बोलते बिंदास टाइप, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. ठीक है, तो मतलब ये बच्चा क्या बोल रहा है ना, जो कि एक चोर है, कि वो मेरे लिए सबसे इजी, सबसे सॉफ्ट टारगेट था. ठीक है, कौन, अनिल, क्योंकि बहुत ही बिंदास टाइप का, है ना, इजी गोइंग टाइप का जो है वो नौजवान था. राइट, देखिए ये इजी गोइंग जो है ना कंपाउंड वर्ड है, आपको पैसेज जब सॉल्व करते वक्त भी आता है ये. ठीक है,
के फाइंड आउट कंपाउंड वर्ड्स, तो ये इजी गोइंग है, कंपाउंड वर्ड है, डू रिमेम्बर. आई हैडन्ट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस. तो मेरी किस्मत अभी फिलहाल कुछ दिनों से जो है ना, ऑफ लेट मतलब रिसेंटली ना, ऑफ लेट, ये देखिए ऑफ लेट वर्ड आया, इसका मतलब क्या था, रिसेंटली. तो अभी कुछ फिलहाल कुछ दिनों में मेरी जो है लक मेरा इतना साथ नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद ये यंग मैन को मैं आसानी से अपने कॉन्फिडेंस में ले लू, ले सकता हूं. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. तो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए है ना, जैसे कि बच्चे अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि बॉटल में उतारने के लिए, तो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जो है ये बच्चा 15 साल का जो कि चोर था, तो वो क्या करने लगा, मस्का बोलते हैं ना, मस्का पॉलिशिंग वो करने लगा कि तुम तो खुद ही एक बहुत बड़े रेसलर नजर आते हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. फ्लैटरी देखिए आपको ग्लॉसरी में मीनिंग दिया है, इनसिंसियर प्रेज, इनसिंसियर मतलब जबरदस्ती मस्का लगाना है ना, इनसिंसियर मतलब झूठ मूठ का प्रेज करना. तो क्या कह रहा था बच्चा कि किसी को भी जरा थोड़ा सा अगर हम फ्लैटरी करें, मस्का पॉलिशिंग करें, तो इजीली हम फ्रेंड्स बन सकते हैं. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तो उस नौजवान ने मुझे पूछा, अभी यहाँ पे मैं मतलब कौन है, यहाँ पे चोर को रिफर कर रहा है ना, क्योंकि ये जो स्टोरी इस तरह से लिखी गई है कि ये एक चोर की ऑटोबायोग्राफी है. तो उसने मुझसे पूछा कि तुम भी करते हो क्या रेसलिंग, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. पुट मी ऑफ मतलब स्टॉप्ड है ना, पुट मी ऑफ मतलब क्या, स्टॉप, एक लम्हे के लिए मैं रुक गया है ना, मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या बोलूं रेसलिंग के बारे में. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन, क्योंकि मैं तो खुद भी 15 साल का दुबला पतला छोटा सा बच्चा था, तो मैं क्या बोलता कि मैं भी रेसलिंग करता हूं एंड ऑल. वेल आई सेड मॉडेस्टली, देखिए मॉडेस्टली का मीनिंग आपको ग्लॉसरी में अगेन दिया है. मॉडेस्टली मतलब बोलते ना एकदम हम्बल तरीके से, एकदम सीधे साधे तरीके से, बिना बोस्टिंग किए हुए, बोस्ट करना देखिए विदाउट बोस्टिंग, बोस्टिंग का मतलब होता है बड़ाई मारना. आई डू रेसल अ बिट, तो मैंने भी ऐसे झूठ मूठ का कह दिया कि हाँ मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ. व्हाट्स योर नेम, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह, आई लाइड, झूठ बोला मैंने. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मेरा क्या था, मैं तो हर महीने मेरा एक नया नाम रहता था है ना, क्योंकि मैं तो था ही चोर और मैं किसी को भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता था. That kept me ahead of the police and my former employers. और मैं झूठ की बोला करता था ताकि पुलिस से बच के रहूं है ना, ahead of the police कि पुलिस से एक कदम आगे रहूं. ahead का मतलब एक्चुअली आगे होता है ना, तो पुलिस से हमेशा एक कदम आगे रहूं मतलब क्या, बचे रहूं. and my former employers, former मतलब old पुराने. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting. अब well-oiled पता होगा आपने, वो पहलवानी वगैरह देखी होगी है ना, कि ये लोग किस तरह से अपनी बॉडी को ऑयलिंग करते हैं. तो हुआ grunting, देखिए grunting का मीनिंग आपको ग्लॉसरी में दिया है, मेकिंग लो guttural sounds. ओके, guttural sounds का मतलब क्या है, रफ साउंड्स. guttural sounds, रफ साउंड. तो उन्होंने देखा होगा आप लोगों ने इनके पहलवानी करते हुए, दंगल मूवी में भी देखा होगा या सुल्तान में देखा होगा है ना, तो किस तरह से उन लोग जो है ना एक दूसरे को बुलाने के लिए कि चल आ जा है ना, चला मैदान में, चल देखते हैं दिस एंड दैट, फिर एक दूसरे को उठा पटक करना, लिफ्ट करना, उठाना, थ्रो करना, फेंकना, ईच अदर अबाउट. तो वो ये सारी बातें कौन डिस्कस करने लगा, अनिल, क्योंकि he was a big fan of wrestling है ना. I didn't have much to say, लेकिन मैं क्या बोलता, मैं मतलब यहाँ पे मैं वापस बता दूँ, मैं कौन, चोर है ना, मैं कौन, 15 साल का एक चोर. I didn't have much to say, मेरे पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था. अनिल walked away,
आई फॉलोड कैजुअली. तो अनिल वहां से उठ के चलने लगा और मैंने कैजुअली, है ना, नॉर्मली मैंने उसका पीछा किया. पीछा किया मतलब मैं इसके चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया. हेलो अगेन ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैं अपीलिंग का देखिए आपको मीनिंग दिया हुआ है, अपीलिंग अट्रैक्टिव. मेरी स्माइल बड़ी अट्रैक्टिव थी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड. अब मैं डायरेक्टली जो अपने पॉइंट पे आ गया क्या कि भाई मुझे आपके यहाँ पे कुछ काम वाम दे दो. लेकिन अनिल क्या बोला, बट आई कांट पे यू. मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता. आई थॉट डेट ओवर फॉर अ मिनट. तो मैं इसके बारे में सोचने लगा. परहैप्स, परहैप्स का मतलब क्या होता है, मे बी, शायद. आई हैड मिसजज माई मैन. हो सकता है कि मैंने अपने आदमी को मतलब यहाँ पे क्या, शिकार को, है ना, गलत जजमेंट ले लिया कि शायद ये मेरा सही शिकार नहीं था. सही शिकार नहीं था. क्यों ऐसा बोल रहा है वो, क्योंकि अनिल ने क्या कहा था कि मैं तुमको पे नहीं कर सकता, है ना. फिर भी खैर देखिए आगे क्या हुआ. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे एटलीस्ट खाना तो दे सकते हैं ना. तो उन्होंने क्या पूछा, कैन यू कुक. मैंने कहा आई कैन कुक. आई लाइड अगेन, है ना. मैं 15 साल का बच्चा, मुझे क्या बनाने आता था सिवाय मैगी के, है कि नहीं. तो लेकिन मैंने झूठ मूठ कह दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. तो वो अनिल क्या कहने लगा कि अगर ठीक है, अगर तुमको खाना बनाना आता है तो तुम आकर मेरे घर पे रह सकते हो, मैं तुमको खिला सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप. है ना, एक स्वीट शॉप थी, कॉन्फेक्शनरी, मिठाई की दुकान. तो वहां पर वो मुझे लेकर, वहां उसके जस्ट अबव जो है उनका रूम था, तो वो मुझे ले गए. एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी. मुझे क्या कहा कि तुम उस बैल्कनी की जगह पर सो सकते हो. बट द मील आई कुक दैट नाइट. मील मीन्स फूड ना. तो उस रात जो मैंने खाना बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग. है ना, उस रात जो मैंने खाना बनाया तो वो क्या किया, अनिल ने उठाकर एक स्ट्रे डॉग. स्ट्रे डॉग किसे कहा जाता है, आवारा कुत्ता, है ना, स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ता. तो उसको उठाकर दे दिया, राइट, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. और मुझसे क्या कहा कि टोल्ड मी टू बी ऑफ मतलब कि अब तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. तो कहते हैं ना, मेरे शिकार ने मुझे जो है मुझे बहुत भगाने की कोशिश की, लेकिन मैं वहीं पर लटकता रहा. हंग, HUNG, हंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैंग, है ना, जबरदस्ती उसके गले में, है ना, गले पड़ना जो बोलते हैं वो वाला हिस्सा. तो गले पड़ गया और मैं जो है स्माइल करते जा रहा था. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मुझको देखकर जो है वो हंसे बिना नहीं रह सका. लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, है ना, क्योंकि मैं उसकी नजर में तो एक छोटा सा मासूम सा इनोसेंट सा बच्चा था. मैंने सर पर हाथ फेरा एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक. फिर बाद में क्या कहने लगा कि मैंने जो है बोलते ना हंसा कर जो है उसको जो है फिर से धोखा देने में मैं कामयाब हो गया. उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस. तो ना सिर्फ खाना पकाना बल्कि वो मुझे जो है मेरा नाम लिखना, है ना, पढ़ना लिखना उसने मुझे सिखाया. एंड टू एड नंबर्स और बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया. आई वॉज ग्रेटफुल, थैंकफुल, है ना, मैं उसका बहुत एहसान मानता क्योंकि किसी ने आज तक मुझे पढ़ना लिखना ये सारी चीजें किसी ने नहीं सिखाई थी. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव. मैं जानता था कि एक बार मुझे पढ़ना लिखना आ गया, है ना, एक अच्छा अगर मैं एजुकेटेड इंसान बन गया तो मैं जो चाहे अचीव कर सकता हूँ. अचीव करना, हासिल करना. इट वॉज क्वाइट
प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। देखिए क्वाइट, QUITE, हाँ इसकी स्पेलिंग क्वाइट, इसका मतलब क्या है? वेरी। और आप लाइब्रेरी में जो देखते हो कीप क्वाइट, दैट इज क्वाइट, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, QUIET। यूजुअली बहुत सारे लोग है ना जो है इसमें मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई इट कि क्वाइट एंड क्वाइट इज हैज बिग डिफरेंस, दोनों में बहुत फर्क है। ओके, यहाँ पे क्वाइट मीन्स वेरी। इट वॉज वेरी प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, है ना, सुबह में मैं नाश्ता चाय वगैरह बनाता और फिर जो है डे सप्लाईज, डे सप्लाईज मतलब डेली ग्रोसरी, है ना, डेली का सामान वगैरह लाने के लिए जाता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और जो बाजार लाने जाता मार्केट, है ना, शॉपिंग करने जाता, तो रोज मेरा कम से कम मैं एक रुपया जो है बचा लेता। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और मुझे पता था कि अनिल को ये बात पता है क्या, कि मैं जो है रोज शॉपिंग के अंदर एक रुपया बचा लेता हूँ, अपने पास चुपके से रख लेता हूँ, लेकिन फिर भी अनिल इस बात को माइंड नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ग्लॉसरी में आपको मीनिंग दिया है इन शॉर्ट इररेगुलर इंटरवल्स, है ना, क्या मतलब है इसका कि अगर अनिल के पास जो है कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, कभी होता तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको पैसा अचानक से कहीं पैसा आ जाता, है ना, कि क्योंकि एक्चुअली वो एक राइटर था। देखिए ना आगे उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में दिया है कि वो क्या जॉब करता था, क्या प्रोफेशन करता था, आगे दिया है। तो अगर उसका आर्टिकल वगैरह छप जाता, है ना, और उसे पैसा मिल जाता तो क्या करता था वो, देखिए हम लोग देखते हैं इसमें। ही वुड बोरो 1 week। तो अच्छा आप लोगों ने ये नोटिस किया, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी क्या, इन शॉर्ट इररेगुलर इंटरवल्स, है ना, इररेगुलर इंटरवल्स। इररेगुलर मतलब जो रेगुलर ना हो, है ना, जो इसको बाकायदगी से पैसा नहीं मिलता था, ऑन एंड ऑफ यू कैन से। ही वुड बोरो 1 week। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उसको उधारी लेना पड़ती थी, लेंडर नेक्स्ट, है ना, तो कभी कभी ऐसा रहता था कि उसके पास इतना पैसा आता था कि वो दूसरों को उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और कभी कभी उसके पास ऐसा रहता था कि पैसे की शॉर्टेज होने के कारण जो है वो वेट करता था कि मेरा अगला चेक कब आएगा, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, है ना, तो वो जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि दिवाली और दशहरा एक साथ, है ना, लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, तो बिल्कुल वही टाइप का इंसान था कि अगर पैसा है तो सब एक साथ उड़ा दो और नहीं है तो चुपचाप बैठ जाओ। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। अंडरलाइन द वर्ड क्वीर। क्वीर मीन्स वर्ड स्ट्रेंज, वियर्ड, है ना, क्वीर मीन्स वर्ड स्ट्रेंज, वियर्ड, WEIRD, weird, weird का मतलब भी क्या होता है, strange, अजीब, अजीब। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. तो एक दिन वो जो है नोटों का बंडल लेकर आया और क्या कहा कि उसने जो अपनी एक लिखी हुई बुक जो है किसी पब्लिशर को बेची, जिसके वजह से उसे इतना पैसा मिला। At night I saw him tuck the money under the mattress. ठीक है, tuck the money, underline the word tuck, tuck को underline कीजिए, लिखिए to push into a small space, to push into a small space, है ना। तो मैंने क्या देखा कि उसने नोटों का बंडल जो है अब चुपके से अपने तकिए के नीचे पुश कर दिया, धकेल दिया, है ना, किसी चीज के नीचे जो है लगकर कोई चीज रखने को कहते हैं टकिंग। ओके, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस मीन्स सॉरी तकिया नहीं बल्कि उसका गद्दा, है ना, गद्दे के नीचे।
I had been working for Anil for almost a month. Apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. तो क्या कह रहा है ये कि मैं करीबन एक महीने से जो है अनिल के पास काम कर रहा था और मैंने सिर्फ वो डेली जो शॉपिंग में एक रुपया मैं जो है मार लेता था, है ना, उसके अलावा आज तक मैंने कोई जो है बड़ा हाथ उसके घर पे नहीं मारा था, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया था, है ना. माय लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ वर्क मतलब क्या, मेरे पेशे का काम. क्या पेशा था इस बच्चे का, चोरी चकारी, है ना. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि मेरे पास मौके बहुत थे. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. प्लीज्ड को अंडरलाइन करके आप लिख सकते हो विश्ड, WISHED विश्ड, है ना. क्योंकि अनिल को तो मुझ पर इतना भरोसा था, ही यूज्ड टू ट्रस्ट मी अ लॉट दैट ही हैड गिवन मी हिज की, घर की चाबी देकर रखा था कि जब चाहे आओ जब चाहे जाओ. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, है ना. और मैंने आज तक मतलब जिंदगी में कभी देखा नहीं था कि किसी ने मतलब मुझ पर इतना विश्वास किया हो. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए रॉब करना मतलब क्या, लूटना, है ना. लूट बोल सकते हो आप, लूट इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड, ये हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश में भी यूज होता है. हाँ, लूट, LOOT, लूट. तो उसको लूटना बहुत मुश्किल हो रहा था. क्यों? क्योंकि वो मुझ पर काफ़ी भरोसा करता था. इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, है ना. क्या मतलब हुआ कि कोई लालची इंसान को लूटना आसान है, है ना, लेकिन एक केयरलेस इंसान और स्पेशली वो जबकि आप पे इतना भरोसा करता है, उसको लूटने के लिए मैं भी कई बार आगे पीछे हो रहा था. समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क. क्योंकि ऐसे केयरलेस इंसान का क्या होता है कि उसको तो बेचारे को पता भी नहीं चलता कि अगर मैं उसको लूट के चले जाता, है ना, ऐसी बात होती है, इतने केयरलेस होते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है, इट टेक्स ऑल द प्लेजर, तो मेरा जो काम था उसमें से प्लेजर ही चले जाता. कौन सा काम था, कौन सा अजीम जॉब था मेरा, है ना, कौन सा एकदम हाईफाई जॉब था, चोरी का. वो चोरी के जॉब में से जो है प्लेजर निकल जाता कि अगर सामने वाले को पता ही ना चले कि उसको लूट लिया गया है. ओके, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. अब वक्त आ चुका था कि मुझे कुछ असली काम करना चाहिए था. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. अब एक महीने से कुछ खास जो है चोरी चकारी नहीं की थी तो मेरी प्रैक्टिस कहते ना कि छूट गई थी. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. और अगर मैं सपोज चलूँ के अनिल के पैसे नहीं चुराता तो क्या करने वाला था, है ना. क्योंकि पहले ही बताया ना मैंने कि किस टाइप का आदमी था वो, कि पैसा है तो पूरा एक साथ उड़ा दो, इस टाइप का. तो वो अपने फ्रेंड्स पे ही लुटाने वाला था. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, क्योंकि मुझे पे भी तो नहीं करता था. अनिल वॉज एस्लीप, अनिल अब सो रहा था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बैल्कनी. बीम मीन्स रे, है ना, साइंस में भी पढ़े होगे आपने रे. तो चांदनी की पता नहीं चांद की रोशनी की एक रे जो है वो थोड़ी बालकनी में दिखाई दे रही थी. एंड फेल ऑन द बेड, और बेड तक पहुंच रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. तो अब मैं क्या कर रहा था, मैं ज़मीन पर बैठा हुआ था, सिचुएशन देख रहा था, मौके की तलाश में था, है ना. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. है ना, मैं सारे मतलब एस्टिमेशन सारे जजमेंट्स ले रहा था कि अगर मैं चोरी करूँगा तो फिर मैं कैसे भाग पाऊँगा एंड ऑल. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड. अंडरलाइन द वर्ड क्रैप्ड. क्रैप्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ क्रीप, CREEP, है ना. क्रीप मतलब क्या, रेंगना. तो अपने ब्लैंकेट में से स्लिप होके मतलब फिसल के निकल के जो है मैं कहाँ पे गया, बेड
अनिल जहाँ पर सो रहा था बेड पर है ना, वहाँ पे स्लो स्लो रेंगते रेंगते गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, एकदम शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। देखिए अनलाइंड आपको ग्लॉसरी में दिया है, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी है ना। वो कहते हैं ना, देखिए बोलते ना कि फिकर की वजह से उसके माथे पर शिकन आ गई, शिकन आ गई मतलब लाइंस आ गई है ना। ब्लाइंड होना का अपोजिट अनलाइंड, अनलाइंड होना मतलब माथे पे शिकन ना होना, शिकन ना होना मतलब एकदम बोलते ना बिंदास होके सो रहा था, किसी चीज़ की कोई उसको फिकर नहीं रहती थी है ना, जो सुबह होगा वो देखा जाएगा, एकदम बिंदास होके सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स। अब वो क्या मतलब, ये बच्चा क्या कह रहा है कि मैं अपना फेस जो है अनिल के फेस से कंपेयर कर रहा था कि अनिल का फेस तो कितना क्लियर और एक भी लाइन भी नहीं थी, जबकि मेरे चेहरे पे तो हालांकि मैं 15 साल का बच्चा था, मेरे चेहरे पर कितने मार्क्स थे और यूजुअली स्कार्स, अंडरलाइन द वर्ड स्कार्स। स्कार्स किसको बोलते हैं, जख्म के जो निशान रह जाते हैं ना, है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्कार्स। जख्म के निशान। ओके, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, स्लिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्लाइड। तो मैंने स्लाइड किया मतलब मेरा हाथ जो है मैट्रेस के नीचे डाला, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैं क्या ढूंढ रहा था, नोट का बंडल। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट, ड्रू इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रॉ है ना, ड्रॉ का मतलब क्या होता है, खींचना। जैसे ड्रॉवर होते हैं ना कबर्ड्स के, ड्रॉवर को ड्रॉवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम उसको खींचते हैं। तो ड्रू मीन्स व्हाट, टू पुल। तो आई पुल देम आउट विदाउट द साउंड, तो मैंने खींच के चुपके से नोटों का बंडल निकाला बिना आवाज किए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, तो एक गहरी सांस लिया अनिल ने, नींद में ही था। एंड टर्नड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, और उसने करवट कहाँ पर ली, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, अंडरलाइन द वर्ड स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स व्हाट, सरप्राइज्ड। एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, क्राउल का अगेन मतलब क्या है, रेंगना है ना। तो मैं रूम से रेंगते रेंगते बाहर आ गया, और रूम से रेंगते रेंगते बाहर मतलब कम्प्लीटली बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, जब मैं रोड पर आया मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, नोट का बंडल मैंने कहाँ रखा था, अपने कमर पर, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास है ना, पैजामे के जो आपकी इलास्टिक होती है उसके अंदर मैंने रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, थोड़े समय बाद मैं रुक गया, नोट काउंट करने लगा। तो कितने थे उसमें, 600 रुपीज़ इन 50s, 50-50 की नोट थी जिसमें 600 रुपये थे टोटल। अब ये पहले ज़माने का जो है लिखा गया लेसन है ना, तो वो टाइम पर जो है बहुत होते थे 600 रुपीज़। तो इसलिए देखिए आगे का सेंटेंस क्या दिया आपको, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अंडरलाइन द वर्ड, ये एक फ्रेज हो गया या एक्चुअली ये एक idiom हो गया, एन ऑयल रिच अरब, ऑयल रिच अरब मतलब है ना सऊदी का जो है जिसके तेल के कुएं रहते हैं ना अरबों के, तो वो वाली जिंदगी मैं गुजार सकता था। इसका मीनिंग लिखिए, I could live like an oil-rich Arab. इसका मीनिंग लिखिए आप लोग, live luxurious life. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. है ना, हमेशा जिंदगी भर WT रहा है ना, WT without ticket, कभी भी टिकट नहीं खरीदा। But dash straight, underline the word dash. Dashed means what? To run fast, है ना? अब ये past tense में है तो आप ran बोल सकते हो, ran. मैं जल्दी जल्दी भागा सीधे कहाँ पर, platform. The Lucknow Express was just moving out. बस निकल ही रही थी Lucknow Express. The train had still to pick up the speed.
है ना, ट्रेन तो ऑलमोस्ट चल चुकी थी, बस स्पीड पकड़ना बाकी था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं आसानी से एक डब्बे में चढ़ गया होता, बट आई हेजिटेटेड. अचानक मुझे एक हिचकिचाहट महसूस हुई, मैं हिचकिचाया. फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं क्यों हिचकिचाया. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने जाने का मौका खो दिया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Underline the word deserted. Deserted मतलब क्या? Alone है ना? Alone, अकेला. या सबसे अलग थलग, isolated. तो उस isolated platform पर मैंने अपने आप को अकेला पाया. I had no idea where to spend the night. समझ नहीं आता रात कहाँ गुजारू. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मैंने कभी भी अपने दोस्त नहीं बनाए थे, क्योंकि क्या मानता था मैं कि दोस्त क्या है मेरे लिए, हेल्प से ज़्यादा क्या है, मुसीबत है. क्यों? क्योंकि इसको ऑक्यूपेशन ही ऐसा था ना, चोरी करता था. तो पता नहीं कब कौन सा चोर जो है पुलिस को मेरा राज बता दे, तो इसलिए इसकी दोस्ती भी नहीं थी. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं नहीं चाहता था कि अगर स्टेशन के पास कहीं पे जाके अगर इस वक्त रात के इस समय अगर मैं रुकता तो लोग क्यूरियस हो जाते हैं ना. क्यूरियस हो जाते मतलब जानने के लिए उत्सुक है ना, दैट इज कॉल्ड क्यूरियस, कि भाई इतनी आधी रात को ये लड़का क्या कर रहा है. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. बस एक ही शख्स को इस शहर में अच्छे से जानता था जिसको मैंने लूटा था. लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. तो स्टेशन छोड़कर मैं जो है वापस बाजार की गलियों में घुस गया. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, है ना. तो मेरा जो शानदार करियर था, है ना, भले ही बहुत कम शॉर्ट करियर था क्योंकि मैं खुद 15 साल का था, लेकिन मैंने एक आर्ट सीख ली थी, एक आर्ट सीख लिया था, एक फन सीख लिया था, एक कला सीख ली थी. क्या? लोगों के चेहरे पढ़ना. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान खो जाता है, गुड्स का मतलब सामान है ना. द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है उसको उसके चेहरे पर डर दिखता है. द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर इंसान होता है उसके चेहरे पर गुस्सा. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब इंसान जो है ना अल्लाह की मर्जी समझ के राजी हो जाता है. बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ वो शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. लेकिन मुझे पता था कि जब अनिल को पता चलता चोरी के बारे में तो उसके चेहरे पे क्या होती, सैडनेस, दुख होता उसे. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी फॉर द बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, है ना, पैसा खोने के लिए नहीं, क्योंकि पैसे की तो उसकी नज़र में कुछ वैल्यू नहीं थी ना, पहले से वैल्यू नहीं देता था. अगर वैल्यू दिया होता तो संभाल कर रखा होता, लेकिन किस टाइप का बंदा था हम लोगों ने देखा कि, है ना, जैसे ही पैसे आते थे बस फौरन उड़ा देता था. लेकिन किस चीज़ का दुख होता अनिल को कि मैंने इस बच्चे पे इतना भरोसा किया, है ना, उसे रहने के लिए जगह दी, खिलाया पिलाया, और उसने जो है मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी, मुझे बीट्रे कर दिया, है ना. यहाँ पर लाइंस देख सकते हैं ना, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. तो फिर मैंने क्या किया, आई फाउंड माइसेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. अब मैं बाजार की गलियों से गुजरते हुए कहाँ पर एक मैदान में पहुंच गया, एक बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, है ना, चिली मीन्स ठंडी, है ना. इट वॉज क्लियरली नवम्बर एंड अ लाइट ड्रिजल, है ना. Underline the word drizzle. Drizzle का मतलब क्या, light rain. Added to my discomfort. और ठंडी में जो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी उससे मुझे और ठंडी महसूस हो रही थी. Soon it was raining quite heavily. जोर जोर से बारिश होने लगी. My shirt and the pajama stuck to my skin. Stuck is the past form of stick. है ना, तो सारे कपड़े जो है मेरे जो है स्किन से चिपक गए. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. ब्लू इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्लो. ब्लो, ब्लो का पास्ट फॉर्म है. तो तेज जो है हवा का झोंका आया और जोरदार मेरे मुंह पर बारिश के छींटे पड़े. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर.
क्लॉक टावर होता है ना, बड़ा सा टावर होता है जिसमें बड़ा सा क्लॉक लगा होता है ना, तो वहां पर जाकर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिड नाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, देवर डैम फॉर द रेन। अब क्लॉक में देखा तो क्या आधी रात हो रही थी है ना, रात के 2-3 बज रहे होंगे, और मैंने देखा अपनी नोट्स को ऑब्जर्व किया, पैसे को ऑब्जर्व किया, देवर डैम फ्रॉम द रेन, डैम्प मीन्स व्हाट, वेट, गीले ना। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। अब क्या ख्याल आया कि ये तो अनिल के पैसे है, सुबह में शायद जो है ही वुड प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स व्हाट, पॉसिबली, कि शायद अगर सुबह होती तो मुझे उसमें से 2-3 रुपया ज़रूर दे दिया होता कि मैं जाकर जो है सिनेमा देख लूँ, थिएटर देख लूँ। देखिए मैंने कहा ना ये मतलब पहले की स्टोरी है, तो इसलिए यहाँ पर 2-3 रुपये में जो है थिएटर भी जाया जा सकता है। बट नाउ आई हैड इट ऑल, आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। तो लेकिन आज मेरे पास तो पूरे पैसे थे उसके, मुझे उसका खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी ना तो बाजार जाने की, है ना। और लेकिन एक और चीज़ कि मुझे पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी मतलब अब मुझे पढ़ना लिखना कौन सिखाया होता है ना, अगर मैं अनिल के साथ नहीं रहा होता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट डैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द टेफ, चोरी के चक्कर में जो है, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये तो बात भूल ही गया, होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस लिखने सिखाने वाला था कौन, अनिल। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees, और ये चीज़ है ना, अनिल जो मुझे एजुकेशन दे रहा था, मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा था है ना, ये मेरा मुस्तकबिल सवार सकती थी, मेरा फ्यूचर सवार सकती थी, और मैं तो कई 100 रुपये कमाया होता फ्यूचर में। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत आसान काम है ना, स्टील मतलब चोरी, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़े जाना भी। But to be a really big man, a clever and respected man was something else. लेकिन इन सबसे बढ़कर क्या है कि तुम वाकई में एक बड़े इंसान बनो और respected इंसान के ना, समाज के लोग उनकी इज्जत करो। ऐसा कब हो सकता, जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाता। तो मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया कि I should go back to Anil. I told myself if only to learn to read and write. है ना, तो मैंने बहुत मुश्किल से फैसला किया कि कम अज कम लिखने पढ़ने की खातिर जो है मुझे किसके पास चले जाना चाहिए, अनिल के पास। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, तो मैं फौरन दौड़ते हुए जो है वापस उसी बिल्डिंग में, उसी घर में चले गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टिल समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, है ना, क्यों, क्योंकि चोरी करना तो आसान है, लेकिन वही चोरी की हुई चीज़ को दोबारा उसी जगह पर रखना है ना, वो भी अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड, अंडरलाइन द वर्ड अनडिटेक्टेड, अनऑब्जर्व्ड, अनडिटेक्टेड, अनऑब्जर्व्ड, कि किसी को पता भी ना चले, किसी को मतलब अनिल को पता नहीं लगना चाहिए था कि मैंने उसके पैसे चोरी किया था, है ना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देखिए यहाँ पे आया है क्वाइटली, क्वाइटली जो लाइब्रेरी वाला मैं बोली ना, कीप क्वाइट होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, चुपचाप मैंने दरवाजा खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे पर खड़ा रहा इन क्लाउडेड मूनलाइट, है ना, उस चांदनी रात में जबकि बादल छाए हुए थे। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल तो अभी भी सो रहा था। आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, पहले भी आ चुका है ये वर्ड क्रैप्ड, क्रैप्ड के माने क्रीप का पास फॉर्म ना, रेंगते हुए गया उसकी बेड की तरफ, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में नोट्स थे। आई फेल्ट दिस ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी ब्रेथ सांस महसूस की मेरे हाथ पर जब मैं पैसे रख रहा था, किसकी सांस, अनिल की। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहीं पे खड़ा रहा, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, एज यहाँ पे किनारा, एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ नोट्स, तो किसी तरह से मैंने गद्दे के किनारे के नीचे जो है पैसे जो है डाल दिए, इंसर्ट कर दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगली सुबह मैं लेट उठा, अवोक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ अवेक। He stretched out his hands towards me.
उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, किसने, अनिल ने। There was a 50 rupee note between his finger, है ना। तो कल रात वो मैं क्या सोच रहा था जब मैं चोरी करके भागा था कि हो सकता है मुझे 2-3 रुपया देगा, लेकिन इसने तो इतना बड़ा इतना जेनरस इंसान था, इतने बड़े दिल वाला था, उसने मुझे दिल खोल के 50 रुपये दे दिए। माई हार्ट सेंक, अंडरलाइन दिस फ्रेज, माई हार्ट सेंक, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, देखिए ग्लॉसरी में आपको मीनिंग दिया है, फेल्ट डिप्रेस्ड, है ना, फेल्ट डिप्रेस्ड। तो मुझे मैं बहुत डिप्रेस हो रहा था, है ना, डिप्रेस हो रहा था, मुझे टेंशन हो रहा था, किस बात का, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, लगता है कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। लेकिन अनिल ने मुझे क्या कहा कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए, मतलब मुझे कुछ पैसे मिले हैं और अब से तुमको मैं रेगुलरली पे करूंगा, है ना। शुरू में हम लोगों ने देखा था जब वो इसके यहाँ पर काम पर लगाता था, वो बोलता है आई कांट पे, लेकिन आज उसको क्या कह रहा था कि अब से मैं तुमको रेगुलर पे करूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट रोज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, देखिए आपको मीनिंग दिया है, बिकेम वेरी हेल्प होपफुल, है ना, मुझ में उम्मीद जागी। माई स्पिरिट रोज, मुझ में उम्मीद जागी। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, जब मैंने नोट हाथ में ली तब मैंने क्या देखा कि ये तो अभी भी गीली है ना, बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अब अनिल ने क्या कहा कि आज से हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देखिए, ही न्यू मतलब अनिल न्यू, अनिल जानता था कि क्या हुआ था कल रात, है ना, कि ये बच्चा चोरी करके भागा था, लेकिन उसने बिल्कुल भी इस बात का इजहार नहीं किया। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, बिल्कुल भी उसने ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दिए कि वो कुछ जानता था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं हमेशा की तरह उसकी तरफ देख कर मुस्कराया। And the smile came by itself without any effort. और इस बार ये बनावटी मुस्कान नहीं थी, है ना, इस बार ये जो है spontaneous, natural मुस्कान थी, और ये मुस्कान क्या reflect कर रही थी, gratefulness, है ना, gratefulness मतलब thankfulness, कि ये बच्चा जो कल इसकी पैसे चोरी करके भागने के फिराक में था, ये ज़िंदगी भर के लिए कहते हैं ना कि उसका, अनिल का एहसान मंद हो गया, है ना। तो कहते हैं ना किसी के साथ जो है अच्छे अखलाक रखना खुद ब खुद जो है सामने वाले को जो है बुरा काम करने से रोक देता है। तो यही मैसेज या मॉरल हम ले सकते हैं, ठीक है। हम इसका जो इम्पोर्टेंट वर्कशॉप करते चलते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ओके। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि इस लेसन का जो फर्स्ट पैसेज था ना, फर्स्ट पैसेज स्टार्टिंग का, आई वॉज स्टिल अ थीफ फ्रॉम हियर, वहां से लेकर कुडंट हेल्प लाफिंग, आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ कुडंट हेल्प लाफिंग। तो ये जो पैसेज है ना, मार्च 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और राइट, तो इसलिए हम थोड़े से इम्पोर्टेंट वर्कशॉप भी देख लेते हैं यहाँ पर, और राइट। तो जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में जॉट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप नोटबुक में एटलीस्ट लिख लीजिए। इंग्लिश वर्कशॉप, यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द वेब डायग्राम। ये जो है आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी होती है उसमें पूछा जा सकता है, और राइट, ठीक है। तो देखिए आपको अनिल्स वर्च्यूज दिया है, वर्च्यूज मीन्स वॉट, गुड क्वालिटीज, है ना, कि अनिल की कौन कौन सी गुड क्वालिटीज थी, राइट डाउन। आपको जो चार जो है ऐसे जो है बॉक्सेस या जो है ओवल शेप में दिए हुए हैं, एंड लेट मी टेल यू, यही बिल्कुल यही क्वेश्चन अनिल्स वर्च्यूज जो है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सिर्फ वर्डिंग्स चेंज किया था, क्वालिटीज ऑफ अनिल, और बिल्कुल यही क्वेश्चन जो है मार्च 2019 में आ चुका है, ऑलराइट। तो लिख लीजिए इसका आंसर,
काइंड, ठीक है, एक ओवल बॉक्स में आप लिखोगे काइंड, सेकेंड में लिखोगे आप प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट, तीसरा लिखोगे सिंपल, और चौथा लिखोगे ईजी गोइंग, ईजी गोइंग। उसी के बाजू में आप देख सकते हो हरीश वाइसेस दिया है। वाइसेस क्या है? वर्च्यूज का अपोजिट है। वर्च्यूज मतलब अच्छाइयाँ ना, तो वाइसेस मतलब बुराइयाँ। हरीज में क्या क्या बुराइयाँ थी? हरी में, हरी मतलब वो 15 साल का बच्चा है ना, जिसमें इस लेसन में उसने अपना इंट्रोडक्शन हरी नाम से करवाया था। तो क्या क्या बुराइयाँ थी आप लिख लीजिए एक बॉक्स में। कनिंग, CUNNING, कनिंग। दूसरे बॉक्स में लिख लीजिए अनट्रस्टफुल। दूसरे बॉक्स में आपने लिखा अनट्रस्टफुल। आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट अनट्रस्टफुल, इट इज अनट्रूथफुल, सॉरी अनट्रूथफुल। थर्ड में लिख लीजिए आप इनसिंसियर, और फोर्थ में लिखोगे आप श्रिउड, SHREWD, श्रिउड। देखो श्रिउड का ऑलमोस्ट वही मीनिंग है जो कनिंग, मक्कार, चालाक, श्रिउड, ठीक है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिलिप्स है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज गिवन बिलो इन द सेंटेंस। तो आई डायरेक्टली टेल यू द आंसर। आई डैश द स्कूल गेट, तो वहां पर क्या आएगा? वहां पे आएगा आई डैश टू का मीनिंग देखा था हम लोग ने कि भागना है ना। आई डैश टू द स्कूल गेट व्हेन आई हर्ड द स्कूल बेल रिंग। क्वेश्चन नंबर बी, आफ्टर द डेथ ऑफ माय पेट डॉग माय डैश, यहां पर आएगा स्पिरिट रोज, है ना, स्पिरिट रोज व्हेन डैड गॉट मी अ न्यू पप। स्पिरिट रोज मतलब नई उम्मीद जागना, है ना, मेरे कुत्ते की मौत के बाद जब डैडी ने मुझे नया पपी ला के दिया तो मुझ में नई उम्मीद जागी। क्वेश्चन नंबर सी, डू नॉट स्टूप, स्टूप का मतलब क्या होता है? बेंड, झुकना। डू नॉट बेंड टू डैश जस्ट टू गेन समथिंग फ्रॉम समवन, इसका आंसर आएगा फ्लैटरी। इसका आंसर आएगा फ्लैटरी, फ्लैटरी के लोगों की खुशामत मत किया करो, कुछ पाने के लिए जो है लोगों की खुशामत की तरफ मत झुको। क्वेश्चन नंबर डी, द आर्टिस्ट कंप्लीट्स हिज पेंटिंग, इसका आंसर आएगा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है कि आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग कैसे कंप्लीट किया? इरेग्युलर इंटरवल्स में, कभी कुछ ज़्यादा बना लेता, कभी कुछ उसका मूड होता कम बना लेता, ठीक है, इरेग्युलर इंटरवल्स में। क्वेश्चन नंबर ई, द क्राइम वेंट डैश फॉर 11 ईयर्स, इसका आंसर आएगा अनडिटेक्टेड, ओके। एंड लास्ट फिलअप, व्हेन द बेबी सॉ इट्स मदर इट गेव एन डैश स्माइल अपीलिंग स्माइल, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फिलअप। ये भी जो है आपको जो है पैसेजेस में जो A3 एक्टिविटीज होती है ना, उन सब में आने के चांसेस है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना ये, ठीक है, ये फिलअप एंड द नेक्स्ट वन। देखिए आपको आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3A को लोकेशन दिया है और 3B में जो है कंपाउंड वर्ड्स। अब बेसिकली दोनों के बीच में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। आपको देखो यहाँ पे एक पॉपअप नोटिस बॉक्स दिया है कि मेक द स्टूडेंट्स अवेयर दैट कोलोकेशन एंड कंपाउंड वर्ड्स आर डिफरेंट। तो एक्चुअली बेसिकली क्या मतलब दोनों में डिफरेंस है? देखिए जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जब दो वर्ड्स मिलाकर किसी एक चीज को रिफर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कंपाउंड वर्ड। जैसे हम बोले बेडरूम, बेड एक अलग वर्ड, रूम एक अलग वर्ड, बेडरूम। फुटबॉल, फुट अलग वर्ड, बॉल अलग वर्ड, उन सबको मिला, है ना, वो दो चीजें जो है, दो वर्ड्स मिलकर के एक चीज को रिफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड।
जबकि ये ऊपर जो कोलोकेशन 3 आपको दिया है, मतलब इसमें जो है ना ये एक लाइक फ्रेज है कि जिसमें दो वर्ड एक दूसरे से एसोसिएटेड है, एक दूसरे से जुड़े हैं, दैट इज इट। बस बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है, दैट्स इट। ओके, देख लेते हैं हम ये फिलअप। डैश डॉग, हमको पैसेजेस में से पता करना है। डैश डॉग, स्ट्रे डॉग, अगर आपको याद होगा पैसेज में एक वर्ड आया स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते। डैश मैन, ग्रीडी मैन, GREEDY, ग्रीडी मैन। टिकट, टिकट ऑफिस। नेक्स्ट स्लोली का जो है वॉकड स्लोली, WALKED, वॉकड स्लोली। नेक्स्ट फिलअप, लाइट ड्रीजल, लाइट ड्रीजल। सिक्स फिलअप, होल सेंटेंसेस। और सेवन फिलअप, रोज स्पिरिट। ना एक्चुअली आपको वर्ड दिया है स्पिरिट रोज, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो रोज स्पिरिट्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर बी लिख लीजिए आज के लिए। ऑयल, ये कंपाउंड वर्ड्स है जो दो वर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया दो वर्ड्स मिलके जो एक को रिफर करते हैं, तो ये आपको पैसेजेस से ही बताना है। वेल ऑयल्ड, वेल के बाद हाइफन, ऑयल्ड। क्वेश्चन नंबर टू, फिफ्टी रुपीज। ईजी गोइंग। नेक्स्ट क्लॉक टावर, और मून के साथ मूनलाइट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, हो सकता है 2019 में पूछा था एक पैसेज, हो सकता है इस साल आ जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लर्न दिस लेसन थॉरली। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, बाय।